मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा एक सांकेतिक हड़ताल की गई है। आंदोलनकारियों ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा NHM के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें निर्णय लिया गया था कि उनको 90% सरकारी कर्मचारियों का वेतन दिया जाएगा और सरकार प्रयास करेगी कि नियमित किया जाए, लेकिन 4 वर्ष बीतने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस मांग को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया और सरकार का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करवाया गया। आंदोलनकारियों ने बताया कि अगर उनकी बातें नहीं मानी गई तो 23 तारीख से नियमित हड़ताल की जाएगी। आइए आपको सुनाते हैं स्वास्थ्य कर्मियों ने क्या कहा। हमारी मांग ये है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा NHM के लिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए जो भी संविदा में कार्यरत हैं, तो एक कमेटी बनाई गई सरकार द्वारा। उसमें निर्णय लिया गया कि जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनको 90% सरकारी कर्मचारियों का वेतन दिया जाएगा। साथ ही अगर संभव हुआ सरकार ये पूर्ण प्रयास करेगी कि इनको नियमित किया जाए, किंतु सन 2018 से आज 2022 लग गया, 4 साल होने को आए, सरकार द्वारा अभी तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसी बात की मांग को लेके पूरे मध्य प्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा, जिसमें रीवा यूनिट भी हमारा शामिल है, निर्णय लिया गया कि अभी सांकेतिक धरना प्रदर्शन हम लोग करेंगे और सरकार को अपनी ओर आकृष्ट करेंगे। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो 23 तारीख से हम लोग नियमित तौर पर काम बंद करके हड़ताल करेंगे, जिसकी अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी, क्योंकि हमने उनको चेताने का पूरा प्रयास किया, अपनी तरफ आकृष्ट करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन सरकार अगर आकृष्ट नहीं हो रही है तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि जितना पैसा सरकार हमको मिनिमम वेतन मान देती है उससे आज की महंगाई में हमारे अपने परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल है। आज आप थाली बजा रहे हैं, क्या इसका उद्देश्य क्या है? थाली और ताली इसलिए बजा रहे हैं कि जब कोरोना नामक संकट आया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हम लोगों को ये चीज़ बताई। हम लोगों को पता नहीं था कि थाली और ताली बजाने से कितना भी कठोर संकट क्यों ना हो वो दूर हो जाता है। तो थाली और ताली बजा के हम लोग मुख्यमंत्री जी, अरे प्रधानमंत्री जी के बातों का अनुसरण कर रहे हैं कि हो सकता है कि जो संविदा कर्मचारियों के ऊपर मानदेय को लेकर इतना बड़ा संकट आया है, हो सकता है वो ख़त्म हो जाए। नाम आप बता दीजिए। संजय दुबे।